इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज की एक और ब्रेकिंग न्यूज, राजस्थान की सियासत में फोन टैपिंग का बवाल मच गया है। सचिन पायलट समर्थक विधायकों के फोन टैपिंग के आरोप पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जवाब मांगा है। पायलट समर्थक एमएलए वेद प्रकाश सोलंकी ने दावा किया है कि कई विधायकों के फोन टैप किए जा रहे हैं और उन्हें ट्रैप में फंसाने की कोशिश हो रही है। वेद प्रकाश सोलंकी के मुताबिक खुद विधायकों ने उन्हें फोन टैप किए जाने पर बात बताई है और इसका खुलासा एक ऐप के जरिए हुआ है। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गहलोत और पायलट ग्रुप में खींचतान चल रही है। पायलट दो दिन से दिल्ली में है लेकिन पार्टी के किसी सीनियर नेता से अब तक उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। मेरे सामने मुझे लगा कि कई लोग बाहर खड़े रहते हैं, कुछ ही खड़े रहते हैं, मुझे लगा नहीं लेकिन कोई इंटेलिजेंस के लोग हैं, कुछ तरीके के लोग हैं। और न मुझे अभी तक ये भी पता है कि मेरा फ़ोन टेप हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन कई विधायकों ने जरूर कहा है कि फ़ोन टेप हो रहे हैं। उसके साथ साथ में कई विधायकों ने, उनके अधिकारियों ने ये भी कहा है, उनको डराने की कोशिश भी की है कि हमारे ऊपर से ऐसे इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, ऐसा लगने मिल रहा है कि जिससे कोई ट्रैप कराने की कार्रवाई हो रही है या ICD पीछे लगी हुई है। इस तरह के एक दो विधायकों ने कहा भी ये बात, और ये बात खुद मुख्यमंत्री जी को जाके एक दो विधायकों ने कल बताई भी है। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, राजस्थान में ये सियासी उठापटक का दौर चल रहा है जहां पर सचिन पायलट गुट के विधायकों का कहना यह है कि वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाकर रहेंगे। उधर गहलोत सरकार पर आरोप ये लग रहा है कि अशोक गहलोत खुद सचिन पायलट समर्थित विधायकों के फोन टैप करवा रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।